पूर्व उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन के उद्देश्य से जंगलों को उजाड़ने के विरोध में संघर्ष कर रहे आदिवासियों एवं ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों से मुलाकात करने के बाद कहा कि कांग्रेस हसदेव अरण्य और आदिवासी भाई बहनों के जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी अधिकारों की इस लड़ाई में हम सब उनके साथ खड़े हैं। समर्थन गाँव के लोगों के साथ रहने का है हमेशा, और वो हमेशा बना रहे। जो उनकी बातें हैं जायज बातें हैं, वो जमीन के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी जमीन ली थी वहाँ पर। आप जमीन उनकी अगर लेना चाह रहे हैं तो गलत है, वहाँ वो नहीं चाहते कि खदान खुले। यहाँ पर 3 खदानों की फिलहाल बात है, परसा केते एक्सटेंशन 2 जो पहले से खदान चल रही है वो एक अलग स्थिति है। वहाँ का जो काम चल रहा है जहाँ पर अभी पेड़ की कटाई भी है, ये पहले के शासन के समय, बल्कि कांग्रेस का शासन जब था दिल्ली में, यूपीए की सरकार थी उस समय, रमन सिंह जी ने यहाँ से इसके लिए प्रस्ताव भेजा था कोयला खदान की अनुमति के लिए। और ये कोयला खदान, कोयला चाहिए था राजस्थान के विद्युत मंडल, उनकी जो पावर प्लांट है उसके लिए उनको कोयला चाहिए था। उसकी अनुमति जो मिली थी वो एक कहानी है कि वो जो पुराना ब्लॉक है वो चले या ना चले, उसमें पेड़ कटाई की बात आ रही है, उसकी पहले से स्वीकृति हो चुकी है, उसमें काम चल रहा है। वो नए खदान जो बाद में दिए गए हैं उसका बड़ा विरोध कुछ गांव से हो रहा है। लगभग मेरी जानकारी में 100% गांव के लोग उसमें सहमत नहीं है, खास करके फतेहपुर इत्यादि। यहाँ गांव वालों से, और मैंने कहा कि आपका अलग से हम राय ले लेंगे, गुप्त राय ले लेंगे, मतदान करा देंगे कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो जमीन जाना, और उस हिसाब से हम लोग को भी पता चलेगा। क्योंकि कुछ लोग मिले जो कह रहे थे कि हम जमीन देना चाहते हैं, खदान हम खोलना चाहते हैं। लोगों की राय के अनुसार अगर 90% लोग एक राय के हैं वो सरकार को बात माननी चाहिए। हमारे नए मुख्यमंत्री स्वयं आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और वो भली भांति आदिवासी समाज के रीति रिवाजों को और आदिवासी समाज के जमीन से जुड़ाव को समझते हैं, जंगल को समझते हैं, जल जंगल जमीन को समझते हैं, महुआ को समझते हैं, तेंदु चार को समझते हैं, गांव के देवताओं को समझते हैं, देवी और पुरखों की बात को समझते हैं। जरूर संवेदनशीलता से जो नए खदान खुलने हैं जिसके लिए प्रस्ताव विधानसभा में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य थे, सर्वसम्मति से पास करके दिल्ली भेजा गया था, ये नया खदानों को ना खोला जाए। तो पुरानी खदान की बात अलग है, ये नए 2 खदानों के लिए भी मैं जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि आप इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी, पहल करें। आदिवासी बहुल इलाका भी है, आप मेरे से ज्यादा शायद समझेंगे कि आदिवासी समाज के बासिंदों का, लोगों का, नागरिकों का जमीन से क्या जुड़ाव है, जल जंगल जमीन से उनके अस्तित्व का क्या संबंध है, और दोनों नए खदानों को खोलने से रोकने की आप पहल करें। सर, ग्रामीणों को कुछ बनते हैं इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे, इस प्रकार से अगर प्रशासन काम करेगा, तो आप ये मान के चलिए कि स्थिति बिगड़ती है बनने के लिए। आपने भी, आप लोग यहाँ थे, आपने सुना कि कुछ ग्रामीण रोषित भी हो रहे हैं। अगर आप उनको उकसाओगे तो फिर गलत परिणाम की तरफ बात जा सकती है। मैं हिंसा का साथ कभी नहीं देता, ना दे पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को, जिनके पैसे से आप खुद तनख्वाह पाते हो, जिनकी देखभाल के लिए आपको जवाबदारी संविधान ने दी है, उन्हीं का शोषण आप करोगे, कपड़े उनने ठीक से नहीं पहने और उस हालत में आप उनको ले जाओगे, इतनी असंवेदनशीलता का अगर आप परिचय दोगे तो हल कभी नहीं दे सकते। आप दमन कर सकते हो, विद्रोह होता है ऐसे में और स्थिति बिगड़ती है, तो समझना चाहिए, समझना चाहिए प्रशासन को भी। पढ़े लिखे लोग हैं, कलेक्टर एसपी अनपढ़ लोग नहीं होते, इनको समझना चाहिए, और अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ऐसे आदेश देना चाहिए कि पब्लिक को सर्वमान रखते हुए, आज कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो पब्लिक के मत से बनता है, अपने जन्म से नहीं बनता, अपने बूते पे नहीं बनता। पब्लिक आपको मौका देती है, वही पब्लिक आपको आपकी तनख्वाह देती है, उनके मान सम्मान की रक्षा आप करो और फिर व्यवस्था बनाओ। देखिए, मैंने पहले कहा कि पुराना खदान और जो नया खदान है 2 अलग पहलू होंगे। पुराने खदान की क्योंकि अनुमति पहले दी जा चुकी है,
और मैंने गांव वालों से भी बात की थी, मैंने आंदोलन के साथियों से भी बात की थी, इनके वरिष्ठ जो साथी हैं हसदो अरण्य आंदोलन के, इनकी भी राय यही थी कि पुराने खदान की बात तो हम उठाते ही नहीं क्योंकि वो पहले सैंक्शन हो गया था। वहां पेड़ की कटाई, उनका ये कहना है कि यहाँ का निर्णय ले लीजिए फिर वहां पर काम करिए। उस खदान पे उनका भी मूल विरोध नहीं है। इस कारण से भी शासन को और प्रशासन को चाहिए कि सबकी मंशा को ध्यान में रख के अगर वो काम करेंगे तो विरोध नहीं होगा।